वेलकम डियर फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेज, यानी सक्रिय और निष्क्रिय वाच्य हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो ये एक इंग्लिश का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस के अंदर हमेशा जो सब्जेक्ट है वो सक्रिय होता है, या वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट या कर्ता है उसका प्रयोग होता है। और अपने टेंसेज में जितने भी सिंपल सेंटेंस या असरेटिव जो सेंटेंस हैं वो एक्टिव वॉइस के अंदर ही होते हैं। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव शाब्दिक अर्थ होता है सक्रिय होना। अतः जब वाक्य में कर्ता स्वयं सक्रिय एक्टिव होता है, अर्थात जब स्वयं सब्जेक्ट कार्य करता है, तो यह एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मुकेश राइट्स ए लेटर। तो ये जो सेंटेंस है इसमें मुकेश क्या है? सब्जेक्ट। राइट क्या है? वर्ब है। और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर मुकेश पत्र लिख रहा है, यानी मुकेश के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। तो ऐसे वाक्यों को अपन एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब यदि इसी वाक्य को अपन यूं कहें कि ए लेटर इज रिटन बाई मुकेश, तो इस सेंटेंस के अंदर ए लेटर यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया गया है। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो निष्क्रिय हो गया, वो पैसिव स्थिति में आ गया, तो इसको अपन पैसिव वॉइस कहते हैं। इसी तरह अगला जो सेंटेंस है, ही प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो इस सेंटेंस में ही है वो सक्रिय है, एक्टिव है। और यदि इसी वाक्य को यूं कहा जाए कि क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई हिम, तो यहां पर जो करता है दूसरे से दूसरा जो अपने अर्थ बोला तो उसमें करता है वो पैसिव हो गया, और क्रिकेट है वो उस पर ज्यादा जोर दिया गया, तो इसको अपन पैसिव वॉइस कहते हैं। अब अपन पैसिव वॉइस की अर्थ देखते हैं कि पैसिव वॉइस का शाब्दिक अर्थ होता है निष्क्रिय होना। कौन निष्क्रिय होता है? कर्ता इसमें निष्क्रिय होता है। अतः जब वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं निष्क्रिय रहता है तथा वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है तो यह पैसिव वॉइस होता है। जैसे ए लेटर इज रिटन बाई मुकेश, तो यहां पर मुकेश निष्क्रिय हो गया और ऑब्जेक्ट है वो सक्रिय हो गया। इसी तरह अपने देखा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई हिम, तो ये पैसिव सेंटेंस हो गई। एक्टिव और पैसिव का विस्तृत अध्ययन करने से पहले अपन टेंस का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो एक बार अपन चार्ट की सहायता से जो टेंसेज के जो स्ट्रक्चर हैं उनको अपन एक बार पुनः उनका रिव्यू कर लेते हैं, और उन जो टेंसेज के सेंटेंस हैं उन्हीं के अनुसार उनका पैसिव वॉइस क्या होगा उसके बारे में अपन पहले अध्ययन करेंगे। तो चलो अपन टेंस के बारे में देखते हैं। अब आपके सामने ये एक चार्ट दिया गया है टेंसेज का, और टेंस तीन होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों टेंसों के फिर चार उपभागों में और विभाजित किया गया है, जिसको अपन सिंपल या इंडिपेंडेंट कहेंगे। दूसरा है वो अपन कंटिन्यूअस या लगातारात्मक होता है। तीसरा परफेक्ट या पूर्णात्मक होता है, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस या पूर्णात्मक लगातारात्मक होता है। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एस या ईएस फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसमें सब्जेक्ट, इसको अपन थोड़ा यूं देख लेते हैं, इसको अपन यूं देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ जाएगी, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और बाद में ऑब्जेक्ट आता है। प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब की तीसरी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट के अलावा अन्य जो एडवर्बियल्स हैं वो भी इसके बाद में आ जाते हैं। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पूर्णात्मक लगातारात्मक वर्तमान काल, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब और बीन लग जाएगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह अपन जो पास्ट सिंपल टेंस है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टेंसेज हैं उनमें केवल पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही ऐसा होता है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है।
तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट जो टेंस या पूर्णात्मक जो भूतकाल है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह फ्यूचर सिंपल या जो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होता है उसमें सब्जेक्ट शैल या विल होता है और हेल्पिंग सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब शैल या विल आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस है, इसके अंदर सब्जेक्ट शैल हेल्पिंग वर्ब शैल या विल होगी और बी लगा करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस या पूर्णात्मक भविष्यकाल, तो इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पूर्णात्मक लगातारात्मक भविष्यकाल, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, अपन ये जो चार्ट है इसको देखने से अपन को मालूम चलता है कि जो टेंसेज है कितने टेंस हो गए, 12 टेंस हो गए। 12 टेंस के अंदर यदि अपन को टेंस को देखना हो तो यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी टेंस में आती किसी सेंटेंस में आती है इसका मतलब वो पास्ट सिंपल का टेंस होगा। किसका होगा? पास्ट सिंपल का होगा। और इसी तरह यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग या तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर होता है या फिर फ्यूचर सिंपल के अंदर होता है। बाकी जो 6 टेंस बच गए उनके अंदर अपन को वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग सभी कंटिन्यूअस और सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। और वर्ब की तीसरी फॉर्म या V3 का प्रयोग केवल 3 टेंसों में, तीनों जो परफेक्ट हैं उन्हीं के अंदर होता है। तो इस प्रकार से ये अपन ने जो टेंसेज का क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में सीखा है। अब एक्टिव और पैसिव इनके अंदर क्या अंतर होता है? एक्टिव के अंदर यानी सारे जो टेंसेज हैं उनके असर्टिव वाक्य हैं वो सभी एक्टिव में आएंगे, और इनका पैसिव बनाते समय मुख्य रूप से अपन को इनके अंदर देखना होगा कि वर्ब की पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। नंबर एक बात, कैसी भी यदि एक्टिव के अंदर कैसी भी वर्ब की फॉर्म हो अपन उसका पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। दूसरा, जो सब्जेक्ट है उसको अपन आगे ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट बना करके वाक्य के पहले ले आएंगे, उसके बाद में बी का उचित रूप इज एम आर हो सकता है, बी का उचित रूप बीइंग हो सकता है, बी का उचित रूप बीन हो सकता है, तो इनको अपन और बी का बी भी लगा देंगे और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग अपन करेंगे। अब अपन देखते हैं कि बी का जो बी रूप है वो अपन किस में लगाएंगे, वो अपन सिंपल फ्यूचर के अंदर इसका यूज करेंगे। बाकी जहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी एक्टिव के अंदर तो पैसिव बनाते समय उसको बी का उचित रूप बीइंग कर देंगे। क्या कर देंगे? बीइंग कर देंगे। और बाकी यदि वाक्य के अंदर कोई मॉडल हो तो मॉडल के बाद में पैसिव बनाते समय बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन लगा देंगे। तो ये अपना स्ट्रक्चर हो गया। अब अपन पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर हैं उनको देखते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए अपन को टेंस वाइज उनमें उनका स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज करना है वो अपन देखेंगे। इससे पहले
एक्टिव से पैसिव बनाते समय अपन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट की जगह लेकर के लाते हैं। तो यदि ऑब्जेक्ट में कोई नाउन हो तो नाउन को अपन ऐसा के ऐसा लिख देंगे, और यदि उनकी जगह पर्सनल प्रोनाउन हो तो सब्जेक्टिव केस के अंदर आई का आई रहेगा और पजेसिव केस में माई होता है और ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है। इसी तरह वी ओवर अस, यू योर, यू ही हिज हिम, सी हर हर, और दे देयर और देम, इस तरह से अपन इनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर अपन चेंज करेंगे। एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस के अनुसार क्या चेंजेस किया जाता है वो अपना इसके अंदर आएगा। तो ये देखो आप, पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल या साधारण वर्तमान काल का पैसिव बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आ जाएंगे, बी का उचित रूप इज एम आर आ जाएगा, और ये तो अपना नेगेटिव वाला आ गया। तो माय डियर्स, अपन पैसिव बनाते समय देखते हैं कि जो टोटल अपने 12 टेंस हैं उनके अंदर एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, और तीनों के जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं उनका पैसिव नहीं बनता है। इसका मतलब अपने जो शेष बचे हुए टेंस हैं उनका पैसिव बनेगा। तो वो कैसे बनता है वो अपन देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आ जाएंगे, फिर बी का उचित रूप इज एम आर आ जाएगा, फिर वर्ब की हमेशा पैसिव हो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और बाय लगा करके सब्जेक्ट लिख देंगे। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपन सबसे पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट लिएंगे, उसके बाद में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और बी का उचित रूप बीइंग आ जाएगा, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका पैसिव बनाते समय सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगा देंगे, फिर बीन लगा करके वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज करते हैं और बाय लगा करके सब्जेक्ट लिख देते हैं। इसी तरह पास्ट सिंपल का पैसिव बनाते समय सबसे पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, उसके बाद में वाज और वर्ब जो बी का उचित रूप है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा करके सब्जेक्ट लिख देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लेंगे पैसिव बनाते समय, फिर वाज और वर्ब, फिर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा करके सब्जेक्ट लिख देंगे। इसी तरह जो पास्ट परफेक्ट है उसमें ऑब्जेक्ट पहले लिएंगे और हेड हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, बी का उचित रूप बीन लिख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा करके सब्जेक्ट लिख देंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सेल या विल लगा देंगे, बी का उचित रूप बी रहेगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म और बाय लगा करके सब्जेक्ट लिख देते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाते समय पहले ऑब्जेक्ट, फिर सेल या विल, और फिर हैव और बी का उचित रूप बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव नहीं बनता है। तो ये टेंस से संबंधित कौन कौन से जो नियम है असर्टिव वाक्यों के अपन एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उनके स्ट्रक्चर को देखा है। अब असर्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के बाद में जब टेंस में नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उनके अंदर उनका पैसिव कैसे बनाते हैं, तो उनके पैसिव वॉइस का बनाने का एक ही नियम है कि आपको नोट का प्रयोग और कर देना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की तीसरी फॉर्म के बीच में अपन को नोट का प्रयोग करना है। तो इसके स्ट्रक्चर निम्न प्रकार से हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उनका ऑब्जेक्टिव बनाते समय क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सब ऑब्जेक्ट के अनुसार लिख देंगे, फिर नोट का प्रयोग करेंगे,
और नोट के बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म और बाई लगा करके सब्जेक्ट लिख देंगे। इसी तरह यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हैं तो उनका पैसिव बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, फिर इज एम आर, फिर नोट का प्रयोग कर देंगे, फिर बीइंग आ जाएगा, बी की फॉर्म का उचित रूप और वर्ब की तीसरी फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे। इसी तरह पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट के जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उनका पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट, उसके बाद में वाज या वर्ब, फिर नोट और वर्ब की तीसरी फॉर्म, बाय लगा करके सब्जेक्ट लिख देंगे। और यदि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हैं उनका पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर नोट, फिर बींग वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उनका पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट पहले ही आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, फिर नोट, फिर बी का उचित रूप बी, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उनका पैसिव बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर नोट का प्रयोग, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आगे अपन ले पास्ट परफेक्ट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उनका पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्टिव, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे। और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उनका पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट, फिर शैल और विल, फिर नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो इस प्रकार से अपन ने जो असरेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उनके स्ट्रक्चर्स को अपन ने देखा है। आगे अपन देखते हैं कि पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनका पैसिव वॉइस अपन कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए इसमें क्या करना होगा अपन को कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरे डब्ल्यू एच वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको वाक्य से पहले ले लेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और बाई लगा करके सब्जेक्ट अपन लिख लेते हैं। तो इन जो सभी टेंसेज हैं उनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उनका स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। यदि वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और बाई लगा करके सब्जेक्ट और अंत में जो इंट्रोगेशन मार्क है वो लगा देंगे। इसी तरह सिंपल कंटिन्यूस टेंस के अंदर इज एम आर, बाद में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में बी का उचित रूप बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब वाक्य सेंटेंस के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगा करके सब्जेक्ट लिख देंगे। इसी तरह जो पास्ट सिंपल है उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं उनका पैसिव बनाते समय सबसे पहले वाज वर्ब, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट कर देंगे। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब पहले ले आएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव, फिर बी का उचित रूप बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे। और यदि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते समय सबसे पहले वाक्य में हैड हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट अपन लिख देंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते समय
वाक्य के प्रारंभ में शैल या विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर सब्जेक्ट लिख देंगे और अंत में अपन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाते समय सबसे पहले वाक्य में शैल या विल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में बाय लगा करके अपन सब्जेक्ट लिख देंगे और आगे इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार अपन ने इन स्ट्रक्चर में सभी टेंसेज के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनका पैसिव कैसे वॉइस कैसे बनाते हैं वो देखा है। यदि वाक्य डब्ल्यू एच इंट्रोगेशन मार्क से शुरू होता है तो अपन हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच वर्ड को रख करके उनका पैसिव वॉइस बना देते हैं। इसी प्रकार से यदि वाक्य के अंदर कोई मॉडल ऑक्सिलरीज दी हुई हो तो उस वाक्य के अंदर पैसिव बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट से पहले अपन ऑब्जेक्ट को वाक्य के प्रारंभ में ले आएंगे, फिर मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट को बाय लिख करके सब्जेक्ट को लिख देते हैं। और इसी प्रकार से जिन वाक्यों में गोइंग टू वाले जो वाक्य प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उनका पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और सब्जेक्ट लिख देते हैं। लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस हैं या इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना करके ये अपन इसका पैसिव बना देंगे। अब अपन कुछ जो सेंटेंस हैं उनके पैसिव वॉइस बना करके अपना अभ्यास करते हैं। वाक्य है ही राइट्स ए लेटर, तो ये कौन से टेंस का वाक्य है, ये प्रेजेंट सिंपल का है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमेशा जो क्रिया है उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले वाक्य में लो। फिर अपन को हेल्पिंग वर्ब बी का उचित रूप इज एम आर, तो ए लेटर एक वचन है तो इसके लिए इज आ जाएगा, तो इसका पैसिव होगा ए लेटर इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप थर्ड कर दो तो रिटर्न हो जाएगा बाय हिम, तो क्या हो गया ए लेटर इज रिटर्न बाय हिम। तो ये इसका आंसर देखो आप, ए लेटर इज रिटर्न बाय हिम। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिव है ही रोट ए लेटर, तो रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मींस ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है ए लेटर, वर्ब क्या है रोट सेकंड फॉर्म और सब्जेक्ट क्या है ही, तो इसका पैसिव बनाते समय इसको ए लेटर को पहले लेते हैं, तो ए लेटर और पास्ट सिंपल में बी का रूप होता है वाज या वर, वो ऑब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार, तो ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, क्या हो गया इसका ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। तो ये देखो ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ये थोड़ा इसमें गलत हो गया है, ही रोट ए लेटर इसका आ जाएगा ए लेटर वाज, ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। अगला सेंटेंस है ही विल राइट ए लेटर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये कौन से टेंस का है, विल राइट यानी पर सिंपल फ्यूचर का है, तो ये हो गया ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम, तो ये हो गया इसका पैसिव ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वाज राइटिंग ए लेटर, तो ये कौन से टेंस का वाक्य है, वाज राइटिंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस का, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ये हो गया ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अगला सेंटेंस है ही हैज रिटन ए लेटर, तो कौन से टेंस का है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो क्या है ए लेटर है, वर्ब क्या है रिटन है और सब्जेक्ट क्या है ही है, तो अपन ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट की जगह ले लेंगे,
और हैज फिर बी का उचित रूप और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख करके आगे बाई लगा करके सब्जेक्ट को लिख देंगे तो इसका क्या पैसी होगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें जिससे मालूम चले कि आपको ये कितना समझ में आ रहा है। इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूं। अगला सेंटेंस है ही हैड रिटन ए लेटर, तो कौन सा टेंस है पास्ट परफेक्ट का, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा ए लेटर हैड बीन रिटन बाई हिम, क्या हो जाएगा ए लेटर हैड बीन रिटन बाई हिम, ये इसका पैसिव हो गया। अगला सेंटेंस है एक्टिव में ही विल हैव रिटन ए लेटर, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस हो गया तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाई हिम, क्या हो जाएगा ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाई हिम, तो ये इसका पैसिव हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है सी इज मेकिंग टी, क्या है एक्टिव सी इज मेकिंग टी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव टी इज बीइंग मेड, टी इज बीइंग मेड बाई सी का क्या हो जाएगा हर, तो टी इज बीइंग मेड बाई हर, ये इसका पैसिव हो गया। योर फादर वाज राइटिंग ए राइटिंग लेटर्स, योर फादर वाज राइटिंग लेटर्स, तो क्या हो जाएगा इसका लेटर्स, तो ये प्लूरल है तो लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय योर फादर, तो ये पैसे हो गया लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय योर फादर। अगला सेंटेंस है द टीचर इज टीचिंग हर, तो हर का क्या हो जाएगा सी, तो सी इज बीइंग टाट बाय द टीचर, इसका पैसिव क्या होगा सी इज बीइंग टॉट बाय द टीचर, तो ये देख लो सी इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका पैसिव बनाते समय जो इसका ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो फुटबॉल क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इज आ जाएगा, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, तो ये आ गया फुटबॉल इज बींग प्लेड बाई द बॉयज। अगला सेंटेंस है सी हैज कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट 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 सी, तो इसका क्या हो जाएगा वर्ब के पास वाले ऑब्जेक्ट को लेंगे तो फूड हैज बीन कुक्ड फॉर द गेस्ट सी बाई सी का क्या हो जाएगा हर, तो ये इसका पैसे हो गया फूड हैज बीन कुक्ड बाय फॉर द गेस्ट सी बाई हर। अगला सेंटेंस है द स्टूडेंट्स हैव रिटन ए स्टोरी, तो इसका पैसिव यूज हो जाएगा ए स्टोरी हैव बीन रिटन बाय द स्टूडेंट्स, तो ये हो गया ए स्टोरी हैज बीन रिटन बाय द स्टूडेंट्स। माई ब्रदर हैज बीन प्रिपेयर्ड कॉफी, तो इसका हो गया कॉफी हैज बीन माई ब्रदर हैज प्रिपेयर्ड कॉफी, तो कॉफी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाई माई ब्रदर, ये आ गया। नेक्स्ट है दे विल हैव रिपेयर्ड योर टेलीविजन सेट बाई टुमारो, तो क्या हो जाएगा इसका दे विल हैव रिपेयर्ड योर टेलीविजन सेट, तो योर टेलीविजन सेट विल हैव बीन रिपेयर्ड बाई देम बाई टुमारो, तो ये हो गया योर टेलीविजन सेट विल हैव बीन रिपेयर्ड बाई टुमारो। अगला दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज, तो क्या हो जाएगा द ब्रिज विल हैव बीन बिल्ट बाई देम, तो ये आ गया द ब्रिज विल हैव बीन बिल्ट बाई दे, तो ये यहां पर अपन दे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सी इज गोइंग टू कुक फूड, तो इसका क्या हो जाएगा फूड फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाई हर। अगला सेंटेंस है द टीचर वाज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट्स, तो इसका पैसे हो जाएगा द स्टूडेंट्स
तो प्लूरल वर आ जाएगा, तो द स्टूडेंट्स वर गोइंग टू बी पनिश्ड बाय द टीचर। तो थैंक यू व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में आगे और एग्जांपल अपन एक्टिव और पैसिव वॉइस से संबंधित लेकर के आएंगे। आप वीडियो में निरंतर बने रहें। थैंक यू।